तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं असेंबल एपीसी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम जो है अपने यूज के लिए दो तरह से पीसी ले सकते हैं। पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। तो एक आपका जो है जो कंपनी का डायरेक्ट असेंबल किया हुआ रहता है वो हम ले सकते हैं, और एक जो है हम खुद से असेंबल कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग उसका जो भी मतलब पार्ट पुर्जा होता है वो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से खरीद के खुद से असेंबल कर सकते हैं अगर आता है तो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं असेंबल करा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर हम ना खुद से अगर असेंबल करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट लगेगा और कौन सा पार्ट पहले असेंबल किया जाएगा। तो इसके लिए मैंने किया हुआ है यहाँ पे 13 पॉइंट बनाया हुआ है, जिसमें आपको जो है असेंबल मतलब पीसी करना हो तो क्या होगा, सहूलियत होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट हमारा क्या है, प्रिपेयरिंग द कैबिनेट। तो हम इसको इमेज के थ्रू समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट आ रहा है इंट्रोडक्शन, यानी कि जैसे कि हमको अगर असेंबल करना है तो क्या क्या चीज चाहिए, मतलब कैसे असेंबल आपको दिखेगा। तो जब हम एक सीपीयू तैयार कर लेते हैं और एक मॉनिटर रख लेते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह स्पीकर लगा लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, एक फुल असेंबल पीसी होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या चाहिए, मतलब असेंबल करने के लिए एक कैबिनेट चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग द कैबिनेट, यानी कि हमको क्या करना है, एक कैबिनेट रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको असेंबल करने के लिए, SMPS को उस कैबिनेट में इंसर्ट करना है, यानी कि इंस्टॉलिंग द SMPS। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि आपको जो भी लैपटॉप बोले या कंप्यूटर या पीसी बोले उसके मदरबोर्ड को पूरा सप्लाई पावर सप्लाई यही देता है। तो ये हमको फर्स्ट लगाना है कैबिनेट में। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, इंस्टॉलिंग द मदरबोर्ड बैक प्लेट, जो कि आपको मतलब कैबिनेट के बैक प्लेट में, ठीक है, एक जो है यहाँ पे ये मदरबोर्ड बैक प्लेट लगना है, जिसमें हम जो है सारा पोर्ट को इंसर्ट करते हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी है गिव्स एक्सेस टू द पोर्ट दैट द मदरबोर्ड कम्स विथ, यानी कि इसके साथ जो है हम सारे पोर्ट को अटैच करते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप होगा इस बैक प्लेट को लगाना, इंसर्ट करना। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये हमारा फैन, इंस्टॉलिंग द कैबिनेट फैन, जो भी कैबिनेट फैन होता है उसको इंस्टॉल करना। यहाँ पे कुछ पॉइंट भी दिया हुआ है, एटलीस्ट वन फैन प्री इंस्टॉल्ड, यानी कि एक फैन जो है आपको प्री इंस्टॉल्ड रखना है। वन फैन इज इंस्टॉल्ड इन द फ्रंट एज एन एयर इनटेक एंड अनदर एट द बैक एज एन इवाउट, यानी कि दो आपको फैन रखना है, एक क्या करना है इसके एयर को निकालने के लिए मतलब, और एक और आपको फैन रखना है ताकि आपका पीसी जो है हीट ना हो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू चेक विच वाई द फैन इज माउंटेड इन द कैबिनेट, ठीक है। तो यानी कि ये आपको जो है एक कैबिनेट फैन को उसके नेक्स्ट स्टेप में लगाना है। फिर आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी सीपीयू होता है उसमें क्या करना है, अपना प्रोसेसर इंसर्ट करना, ठीक है, यानी कि इंसर्ट हो सीपीयू और प्रोसेसर, जो कि ये आपका बहुत आसान होता है इसको इंसर्ट करना। ये ढांचा मतलब ये देखिए आपको ये बनाया हुआ है सच्चा, उसके हिसाब से आपको इंसर्ट करना है। इस पे जो है हम पूरा एक कम टोटल मतलब ये तो अभी थ्योरी हम बता रहे हैं, एक प्रैक्टिकल वीडियो भी हम लाएंगे जिसमें आपको A to Z इंसर्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप नीचे पॉइंट लिखा है स्टोरिंग द सीपीयू प्रोसेसर ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी हम प्रोसेसर जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा हुआ है, इसके ऊपर जो है एक फैन रहता है, ठीक है, और इस फैन और प्रोसेसर के बीच में यहाँ पे हम जो है हीट सिंक लगाते हैं, जो कि वो क्या करता है प्रोसेसर को हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो निकालता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग हीट सिंक ऑन प्रोसेसर, ठीक है, यानी कि प्रोसेसर पे यहाँ पे लगाना। तो यहाँ पे देखिए चेक द हीट सिंक ऑलरेडी हैज एन थर्मल कंपाउंड कोट, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, इसको चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉलिंग रैम ऑन मदरबोर्ड। तो यहाँ पे आपको 3 स्लॉट दिख रहा है, तो वो आपके ऊपर है कितना आप रैम लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसमें रैम को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, प्लेसिंग मदरबोर्ड इनसाइड द कैबिनेट। अब इतना सब काम होने के बाद में आपको क्या करना है, मदरबोर्ड को इसके कैबिनेट के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको जो है एक्सपेंशन कार्ड की आवश्यकता है, तो यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलिंग एक्सपेंशन कार्ड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्लॉट दिया रहता है, वहां पे आप एक्सपेंशन कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है कि इंस्टॉलिंग SDD और ODD। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको मतलब मदरबोर्ड इंसर्ट करने के बाद में अगर एक्सपेंशन कार्ड लगाना चाहते हैं, तो लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये हमारा SSD और ODD इंसर्ट करना है, यानी कि हार्ड ड्राइव और यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, तो ये हमको जो है यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कनेक्टिंग इंटरफेस एंड पावर केबल एंड कंपोनेंट्स, यानी कि क्या करना है, ये हमारा SATA केबल लगाया हुआ है जो कि हमको पावर सप्लाई के लिए उसमें इंसर्ट करना है। उसके बाद में क्या करना है, ये सब काम होने के बाद में आपको क्लोजिंग द कैबिनेट एंड कनेक्टिंग पावर, कैबिनेट को क्या करना है, क्लोज कर लेना है और उसके बाद में आपको पावर सप्लाई देना है। तो पावर सप्लाई देने के बाद आप ये कर सकते हैं, कनेक्टिंग द मॉनिटर, मॉनिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यह हमारा मॉनिटर है। और इसके साथ हम कीबोर्ड वगैरह भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कनेक्टिंग द कीबोर्ड एंड माउस, उसके बाद में हम कीबोर्ड और माउस को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कनेक्टिंग द स्पीकर, जैसे कि जो भी पहले का डेस्कटॉप होता था तो उसमें क्या होता था कि साउंड वगैरह नहीं होता था, तो उसमें हम अलग से स्पीकर लगाते थे, तो आप जो है यहाँ पे ये कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब कनेक्ट होने के बाद में आप क्या करते हैं, टेस्टिंग द सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम आपका प्रॉपरली रेडी है या नहीं, इसको आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट है, हमने यहाँ पे ओवरव्यू आपको दिखाया है, इसे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भी सेम चीज वहां पे लिखा हुआ है जो हम आपको क्या मतलब वहां पे इमेज के द्वारा समझाया है या बताए हैं, उस वही चीज यहाँ पे आपको मतलब एक एक पॉइंट नोट डाउन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले प्रिपेयर द कैबिनेट, इंस्टॉल SMPS, मदरबोर्ड बैक प्लेट, यहाँ पे कैश फैन, इंस्टॉलिंग CPU, हीट सिंक, रैम वगैरह वगैरह, ये सब चीज आपको दिया गया है। तो आई होप कि आपको जो है ये ओवरव्यू मिल गया होगा कि एक मतलब PC को कैसे जो है असेंबल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।